हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब उपमंडल में एक स्कूली छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऊना इकाई ने उच्च शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं स्कूल के शिक्षकों का तुरंत तबादला करने की भी मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिला संगठन मंत्री अरुण वर्मा ने कहा कि शिक्षा के मंदिरों में इस तरह की घटनाएं अशोभनीय है, इस ओर सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। वहीं उच्च शिक्षा उपनिदेशक ऊना कमलेश कुमारी ने कहा कि मामले की गहन छानबीन के बाद शिक्षा निदेशक को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है, जल्दी इस बारे में फैसला आएगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज शिक्षा उपनिदेशक का हमने घेराव किया है। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि जो अंब क्षेत्र में घटना घटित होती है, एक स्कूल की छात्रा के अंदर, एक शिक्षा के मंदिर के अंदर एक छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है, उसी के संदर्भ में आज हम शिक्षा उपनिदेशक से मिले और हम विद्यार्थी परिषद ने मांग रखी है कि उस स्कूल के जितना भी स्टाफ है उसका निष्कासन किया जाए, क्योंकि एक स्कूल के अंदर जहाँ पर हमारी बहनें पढ़ती हैं वहाँ पर उनके साथ अगर दुष्कर्म होता है तो ये घटना बड़ी निंदनीय है। और विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि ऐसी घटना करने वालों जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको उस स्कूल से तो ट्रांसफ़र किया जाए और साथ ही साथ सस्पेंड भी किया जाए, क्योंकि छात्रा ने कहा है कि मैंने सारी बात जो थी वो स्कूल के प्रधानाचार्य को बताई लेकिन स्कूल के प्रधानाचार्य और स्टाफ ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो आज विद्यार्थी परिषद इस समाज का एक अग्रणी छात्र संगठन होने के नाते आज उस उपनिदेशक से मिला है और हमने उनसे मांग रखी है कि आज के आज ही उन टीचरों का निष्कासन किया जाए और उनका तबादला उस स्कूल से किया जाए, क्योंकि वो टीचर बहुत लंबे समय से उसी स्कूल में डटे हुए हैं और सारे लोकल स्टाफ वहाँ पे है और एक छात्रा के साथ ऐसा दुष्कर्म वहाँ पे होता है और उस बात को दबाने की कोशिश वो करते हैं। अगर तबादला ना हुआ तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी परिषद अगर तबादला नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को और गति देगी और आज तो हमने घेराव किया है, कल चक्का जाम भी करेंगे। आने वाले समय में अपने जितना भी समाज है उसको एक साथ करके विद्यार्थी परिषद जब तक इस घटना के दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती अपने आंदोलन को जारी रखेगी। शिक्षा जो भी ये मामला हुआ है ना जी, इसके बारे में हमने पूरी छानबीन करके स्कूल के जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनकी स्टेटमेंट लेकर के हमने हायर अथॉरिटी डायरेक्टोरेट में भेज दिया है, डायरेक्टर साहब के पास। अब जो भी उन्होंने फैसला लेना है वो आ जाएगा और बड़ी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो भी इसमें दोषी है उसको तो सस्पेंड कर दिया गया। और बेटा, हमारा काम जो था इंक्वायरी करना था, छानबीन करना था, वो हमने पूरी कर ली है और अभी हमें जो भी आदेश आएंगे कि ये चीज़ें आप फिर से देखो तो हम फिर से उस चीज़ को देखेंगे जाकर के। मैडम, सुनने में आया है कि जो वहाँ के टीचर हैं उनको ग्राम पंचायत वालों ने वहाँ पे बैठा के रखा हुआ है। बेटा, पंचायत वालों ने नहीं बिठा करके रखा, ऐसा था कि परसों उनको स्कूल लगा था, परसों हमने दूसरे स्कूलों से टीचर्स बुलाए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि गांव वालों ने ही अंदर टीचर्स को नहीं जाने दिया। इवन हमारी गाड़ी भी बाहर ही एक घंटा हम बैठे रहे, खड़े रहे और जब SDM महोदय को हमने बुलाया है वो आई हैं, फिर हमने एंटर किया, बच्चे अंदर थे, केवल टीचर सभी लोग जो थे वो बाहर थे। तो वहाँ पे अब टीचर्स जो हैं अपनी स्टेटमेंट देंगे या कोई उनसे पूछा जाएगा, वो तो सड़क के ऊपर खड़े तो नहीं देंगे ना जी, तो उनको इसलिए पंचायत भवन में बिठाया था और कल भी उनको पंचायत भवन में बिठाया था, कल भी मैं वहाँ पे गई थी और आज तो उनको छुट्टियाँ हैं। और डायरेक्टर महोदय से बात हुई थी, उनसे छानबीन करके ही पूरी बात जो है वो वहाँ भेजी गई और बच्चों को कल छुट्टी की गई थी, लेकिन टीचर्स को छुट्टी नहीं थी इसलिए वो पंचायत भवन में बैठे थे, उनको स्कूल में जाने के लिए मना था, अब लोग मना कर रहे थे वहाँ से, तो इसलिए ये बात जो है वो उनके नॉलेज में है, डॉक्टर साहब के नॉलेज में है कि पंचायत घर में बैठ करके टीचर्स को छुट्टी नहीं है, बच्चों को छुट्टी कर दी थी, वो भी हमने डायरेक्टोरेट में बात करके डॉक्टर साहब की परमिशन से छुट्टी की है। ठीक है।